नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। महेंद्रगढ़ के गांव खैरौली में शौर्य चक्र विजेता अमर शहीद कृष्ण कुमार की 11वीं पुण्यतिथि पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने शहीद कृष्ण कुमार की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, जिला प्रमुख राकेश कुमार समेत अन्य गणमान्य लोगों ने कृष्ण कुमार की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां उपस्थित लोगों ने भी नम आंखों से शहीद कृष्ण की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि शहीद कृष्ण कुमार के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। शहीद कृष्ण कुमार ने अपनी जान की चिंता न करते हुए लोगों के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, इन्हें शत शत नमन है। उन्होंने कहा कि शहीदों की बदौलत ही हम अमन चैन और सुख का जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सेनाओं को विश्व की सबसे बड़ी सेनाओं में गिना जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत विश्व में एक बहुत बड़ी सैन्य ताकत बनकर उभरा है। यही कारण है कि आज हमारा पड़ोसी देश हमारी ताकत को देखकर घबराता है। उन्होंने कहा कि धन्य है शहीद के माता पिता जिन्होंने एक बहादुर बेटे को जन्म दिया। शहीद कृष्ण कुमार का पैतृक घर खैरौली गांव में है। शहीद कृष्ण कुमार बचपन से ही गांव में रहकर पढ़ाई करते थे। इनका युवा जीवन संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि गांव खैरौली के कम्युनिटी हॉल के लिए जिला परिषद को हमने 21 लाख रुपए की ग्रांट के लिए भी बोला है और गांव में सामुदायिक भवन बनाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि शहीद कृष्ण कुमार भारतीय सेना की प्रथम गार्ड में कामती सेंटर में कार्यरत थे और शांति सेना में भारतीय सेना की तरफ से कांगो देश में गए हुए थे। 5 जुलाई 2012 को उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में कृष्ण कुमार शहीद हो गए थे। शहीद कृष्ण कुमार उग्रवादियों की ओर से 2 गोली लग जाने के बाद भी उग्रवादियों को मार गिराने में सफल रहे थे। इसी बहादुरी के लिए भारत के तत्काल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शहीद कृष्ण कुमार की बहादुरी के लिए 26 जनवरी 2013 को उनकी पत्नी मुकेश को शौर्य चक्र देकर सम्मानित किया था। महेंद्रगढ़ से हमारे संवाददाता विकास अहल्यान की रिपोर्ट। आज हम खैरौली गांव में हैं। खैरौली मेरा बहुत पुराना प्रिय गांव है। यहाँ कृष्ण कुमार आज से 11 साल पहले इसी दिन शहीद हुआ था। तब हमने शहीद को मुखाग्नि दी थी और आज हमारे जिला प्रमुख डॉक्टर राकेश कुमार जी हैं, इस वार्ड से पार्षद देवेंद्र यादव हैं, 5-6 गांव की सब सरपंच सरदारी है और ये जो कम्युनिटी हॉल है इसके लिए हमने जिला परिषद से 21 लाख रुपए का ग्रांट भी बोला है और ये जो हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है लड़कियों का, इनके बच्चों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है इन सबको और आज कृष्ण कुमार की शहादत को हम सब लोग नमन करते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।